वक्त की बड़ी खबर नवादा से है, जहां मंडल कारा में बंद कैदी की मौत हो गई है, जिससे सनसनी है। परिजनों का आरोप है कि पीट पीट कर मार दिया गया है। मृतक के शरीर पर कई निशान मिले हैं, जिस पर जेल अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। गौरतलब हो कि 3 सितंबर को रजौली थाना के सोहदा गांव निवासी गुड्डू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी आज मंडल कारा नवादा में मौत हो गई है। परिजनों ने पीट पीट कर मार देने का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। से बताइए क्या हुआ आपके लड़के के साथ, क्या हुआ? तो आज फोन आया कि जो गुड्डू सिंह है सो अथी डेथ कर गया। क्या लगता है आपको? हमारा भतीजा है। क्या लगता है आपको, कैसे हुआ मौत? कैसे मौत हुआ? इसको मारपीट से मार डाला गया है। कौन मारा है? कौन मारा है? अथी जेल में मारपीट हुआ है। पहले ठीक था ये? हाँ, पहले बिल्कुल स्वस्थ था, अन मैरिज है, अभी शादी ब्याह तक के नहीं हुआ है। शरीर में कई निशान वगैरह भी था? बहुत अनगिनत निशान है, पूरे शरीर में तो निशान ही निशान से भरा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कपिल देव सिंह नाम है। मृतक कौन है आपके? हमारा भतीजा है। ये दारू ला मैटर ला केस में पकड़ा है था बच्चा जी, और ये सोहदा गांव का रहने वाला है, शिवडावर पंचायत जी, रजौली थाना। और रजौली थाना में इसके साथ कोई मारपीट नहीं किया गया जी, किसी तरह का भी इसके साथ गलत व्यवहार भी नहीं किया गया, ना मारपीट किया गया। तो त्वचा पूर्वक इनको सर दरबारी सर से इसको चालान कर दिए जी, 3 तारीख को, और 6 तारीख को सुबह में वहाँ जेल से पकड़ा है कि गुड्डू कुमार सिंह का मौत हो गया। जब सारा हम लोग आगे देखे हैं अभी उसका डेड बॉडी, तो हाथ में रस्सी बांध के बांधा हुआ है, पूरा कलाई में निशान है, दाग है, दोनों कलाई में, दोनों पैर में निशान है, और पूरा शरीर और पीछे का चुत्तर जितना पूरा पूरा कम काला है। क्या लगता है? और सुपरिटेंडेंट दोनों मिल के मारा है। कारण? कारण हमको क्या पता, जेल में क्या सीसीटीवी कैमरा या वीडियो है वहाँ लगा हुआ, कारण कौन हम लोग बताएंगे? किस कारण से मारा, किस कारण से नहीं मारा, तो जेलर सूचना नहीं बताएंगे ना। हत्या का मामला, ये जान बूझ के हत्या किया गया इसके साथ, जेलर और सुपरिटेंडेंट हत्या किया गया है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार।